गौरी हर को नाम चलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हो पर को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा वर दाता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी घंटस्थल मद मस्तक जूले शशिपादि जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता संत तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव से कोई शरणागत आवे संत संगत सब ही भरपूर भावे से महाराज लोको अति भावे जो सारी नंदन तो गणेश विसर्जन आज है और आज हम रिवर फ्रंट पर उपस्थित हैं और हमारे साथ गणेश जी भी उपस्थित हैं जिनका नाम है गणेश भाई क्षत्रिय और जो गणेश महोत्सव एसोसिएशन के प्रमुख भी हैं। वाइब्स ऑफ इंडिया की ओर से आपका स्वागत है सर। सर, इस बार जो कुंड बनाए हुए हैं कृत्रिम, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अहमदाबाद शहर के अंदर जो घर घर जो गणेश जी की स्थापना हुई है, 99% लोगों ने माटी की मूर्ति उसी की स्थापना की है और आज जो 10 दिन दादा का विसर्जन है तो घर के अंदर ही विसर्जन करके पंचामृत से विसर्जन करके और घर के ये प्रसंग को दादा की एक पूरे साल उनकी अपनी कृपा बनी रहे ऐसा प्रयत्न लोगों ने किया हुआ है। जो सार्वजनिक अहमदाबाद के विविध विस्तार के अंदर जो पंडाल हैं उन्होंने भी ये बार जो छोटी कलात्मक स्वरूप जो माटी की मूर्ति है उसकी स्थापना करके और वहीं विसर्जन करने का निर्णय लिया हुआ है। कॉरपोरेशन ने एक कृत्रिम कुंड जो बनाए हुए है लोगों ने उसको नकारा हुआ है। लोग चाहते हैं जो सभी लोग जो मेहनत कर रहे अपने जो नदी है पवित्र नदी नाले जो कुएं जितने भी अपने जल स्रोत है वो स्वच्छता होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लोगों ने इसको स्वीकारा है। आने वाली पीढ़ी भी उसके अंदर चाहती है कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बारे में भी सोच, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश जाएगा। अपने जो भी अपने जो पहले देखा था जो अपने जो जल स्रोत है नदी तालाब ये सब स्वच्छ होना चाहिए। मिलन जी, आप जो अभी यहाँ पर आपने आपकी जो गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया, कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और ये क्या मिट्टी की थी या प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी? ये प्योर मिट्टी की मूर्ति थी जो कि पिछले 5 सालों से मैं इसको विसर्जन कर रहा हूँ। पहले तो हम घर में टब या बकेट में ही कर देते थे लेकिन अभी इस बार थोड़ी मूर्ति का साइज ज़्यादा था तो इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा, लेकिन यहाँ भी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा दिखा। हर जगह डिस्टेंसिंग है, अलग अलग कुंड बनाए हैं। अभी हमने वहाँ पुलिस व्यवस्था में भी पूछा तो उन्होंने कहा टोटल 22 कुंड बने हैं यहाँ पे, सो यू कैन गो एनी वेयर वेयर यू वांट, सो विसर्जित कर सकते हैं।
तो अभी हमारे साथ है अधिकारी यहाँ पे बंदोबस्त के राठवा सर, बात करेंगे उनके साथ। हेलो सर, वेलकम टू वाइब्स ऑफ इंडिया। सर, ये कितने कुंड बनाए हुए हैं और क्या है बंदोबस्त आज? ये हमारे दो कुंड है, ये हमारे बंदोबस्त और दूसरा दूसरे भी है। अच्छा। हमारे वो दो है हमारे अंडर में, वो उसके लिए बंदोबस्त।